हेलो फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आप जैसा कि जान रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से चल रहा है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अब आज के सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लूँगा। मैं उनकी प्रूविंग नहीं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट वो एज इट इज़ आपको याद रखना है। कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है कि आपको प्रूफ करना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसकी प्रूफ भी एक्सप्लेन कर दूँगा। बट अभी मैं सारे फॉर्मूले को एक साथ मैं लिखूँगा। क्लियर दोस्तों? तो उसको समझ जाइएगा आप। बट एक चीज़ और है कि अगर आप नए व्यूअर हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और साथ में बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को बार बार कमेंट्स आ रहा है कि आपको सेट जो चैप्टर है वो समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, पहले मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, तो इसको कंप्लीट करते ही मैं सेट को लूँगा। हो सकेगा तो नेक्स्ट वीक में सेट चैप्टर के लेक्चर से स्टार्ट कर ही दूँगा। ओके, तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। तो कंटिन्यू करें हम लोग। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ फॉर्मूले हमने लास्ट डिस्कस किए थे, लेकिन अभी जो पढ़ेंगे उन पर ध्यान दें हम। अभी के जो फॉर्मूले हैं हमारे, सबसे पहला फॉर्मूला सम और डिफरेंस नंबर्स का लेंगे। अब एक्स वाई के फॉर्म लूंगा। सबसे पहले मैं साइन की बात कर रहा हूँ, साइन एक्स वाई के फॉर्म लेता हूँ, साइन एक्स प्लस वाई। तो क्या हो जाता है, साइन एक्स कोस वाई प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा साइन में, कोस एक्स साइन वाई। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड जो आएगा साइन एक्स माइनस वाई, तो हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, कोस एक्स साइन वाई। क्लियर दोस्तों? सेकेंड, अब थर्ड जो ये आएगा, कोस वाला लेते हैं, कोस एक्स प्लस वाई। तो कोस में क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई, और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन एक्स साइन वाई। क्लियर दोस्तों ये चीज़? उसी तरह अगर मैं माइनस वाला लेता हूँ कोस का, कोस एक्स माइनस वाई ले रहा हूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कोस एक्स कोस वाई, यहाँ माइनस है तो प्लस। कोस में ध्यान रखिएगा ऑपोजिट चलता है साइन, और इधर हो जाएगा सेम साइन एक्स साइन वाई। क्लियर? फोर्थ ध्यान रखिएगा, साइन में तो दोस्तों साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई होता है, जबकि कोस के अंदर दोनों साथ में चलते हैं, कोस एक्स कोस वाई और साइन एक्स साइन वाई। बस साइन का इधर प्लस है तो इधर माइनस है तो प्लस कोस के अंदर। अब टेन लेता हूँ, टेन एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ इसमें प्लस और यहाँ माइनस आ जाता है, वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, इसको मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा। क्लियर? अगर यही माइनस वाला हम साइन लें, माइनस वाले लें टेन के फॉर्म में, तो टेन एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, टेन एक्स, यहाँ माइनस आया तो यहाँ भी माइनस, टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ओके, टेन का क्लियर। अब कोट लेते हैं, कोट एक्स प्लस वाई, उसके अंदर हो जाता है कोट एक्स कोट वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अपॉन माइनस वन अपॉन कोट वाई, आगे आता है कोट वाई पर साइन इसके अकॉर्डिंग प्लस कोट एक्स। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर? अब आगे इस तरफ में लिखता हूँ, कोट एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा कोट एक्स कोट वाई, माइनस है तो यहाँ प्लस वन अपॉन कोट वाई माइनस कोट एक्स। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना, तो आगे कंटिन्यू करें। ये तो हो गया x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाला। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया टोटल, ये कितने हो गए, सेवन एट फॉर्मूले हो गए। अब आगे नेक्स्ट नाइन्थ नंबर का, साइन टू एक्स, एक्स के फॉर्म में ही सारा मैं ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ इसको थीटा के फॉर्म में भी कर सकते हो, साइन टू थीटा चाहो तो आप थीटा ले लो, साइन टू थीटा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा। और साइन का एक और फॉर्मूला होता है टेन के फॉर्म में, ये हो जाएगा टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? दो फॉर्मूले हो गए साइन वाले, साइन टू थीटा के। उसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं टेंथ नंबर, कोस के अंदर, कोस टू थीटा, तो कोस के लिए हो जाएगा, सबसे पहला कोस का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड नंबर का होगा टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। थर्ड नंबर का होगा वन माइनस टू
साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर दोस्तों। और टेन के फॉर्म में कोस टू थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर। सब में ही कोस टू थीटा ही चल रहा है, कोस टू थीटा, ओके। तो हो गया कोस टू थीटा का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम टेंथ नंबर, अब इलेवन, टेन टू थीटा, तो टेन के लिए हो जाएगा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो साइन का जो हमने निकाला था टेन वाला ये, और कोस का हमने निकाला ये, दोनों को अगर अपॉन लिखो साइन अपॉन कोस, तो देखा जाए टेन ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, इस ये ऊपर आएगा, ये उसके नीचे आ जाएगा, सेम इज़ इट इज़, इससे भी आप पता लगा सकते हो टेन का हो गया, क्लियर। यहाँ तक दोस्तों आप पॉज करके वीडियो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, इसके आगे और भी फॉर्मूले हैं तो उसको कंटिन्यू करता हूँ मैं। अब थ्री थीटा चलेंगे हम, साइन थ्री थीटा, तो क्या हो जाता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट कोस थ्री थीटा, तो हो जाएगा फोर कोस क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा। उसके नेक्स्ट आएगा टेन थ्री थीटा, तो ये हो जाता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर दोस्तों। टेन का हो गया। अब नेक्स्ट इसके आगे आएगा आपका साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाय टू, दूसरा कोस सी माइनस डी बाय टू, क्लियर। और नेक्स्ट माइनस वाला आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन साइन सी माइनस साइन डी, इसमें कोस आगे आ जाएगा कोस सी प्लस डी बाय टू, और इधर साइन सी माइनस डी बाई टू। इसकी प्रूविंग भी है, पर प्रूविंग मैं आपको अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको लगता है ज़रूरत है प्रूफ की तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इसको आप एज इट इज़ आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि वीडियो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर प्रूफ में मैं जाऊँगा अभी, क्लियर। ये साइन का हो गया, ओके। इसके अलावा जो है नेक्स्ट आता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये बनता है हमारा। अब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, या एक्स वाई के फॉर्म में अगर ले हो, ए बी के फॉर्म में ना लेके, तो एक्स वाई के फॉर्म में आ जाएगा। वैसे बुक में अपने एक्स वाई के फॉर्म में दिया, तो मैं एक्स वाई वाला ही पार्ट लूँ, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो हो जाएगा साइन ए कोस बी, और कोस वाला पार्ट कटेगा, तो टू साइन एक्स कोस वाई, क्लियर। अब अगला अगर लिखूँ मैं साइन एक्स प्लस वाई, बीच में अगर माइनस होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सपोज अगर माइनस होता है तो मेरे हिसाब से टू कोस एक्स कोस सॉरी टू कोस एक्स साइन वाई, ये आ जाएगा, ओके क्लियर। अब कोस के अंदर अगर चले हम, कोस दिख रहा है आई थिंक दोस्तों, कोस एक्स प्लस को सॉरी कोस एक्स कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, उस केस में क्या होगा देखना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इधर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब ये कटेगा, बचेगा टू कोस एक्स कोस वाई, ये आएगा इसके अंदर टू कोस एक्स कोस वाई, क्लियर यहाँ तक। अब इसके आगे एक और फॉर्मूला है कोस के अंदर, उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई, अगर ये है तो इसका हो जाता है हमारा, ये हो गया माइनस टू साइन एक्स साइन वाई, क्लियर दोस्तों। तो जहाँ तक मुझे लगता है लगभग सारे फॉर्मूले इसमें कवर हो गए हैं, और कहीं कुछ बचा है तो दोस्तों बुक से देख लीजिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इन सारे फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके जो एक्सरसाइज है उसके अंदर ये सारे फॉर्मूले यूज़ आते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में, क्लियर दोस्तों। तो इसको आप कन्फर्म कर लीजिएगा, और कहीं कुछ प्रॉब्लम्स तो ज़्यादा मुझे लगता है नहीं है, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे सही है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और लेकिन इसको डेली रोज का फिक्स कर लीजिएगा कि दिन में एक बार ज़रूर आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और आपके बहुत काम आने वाले हैं ये फॉर्मूले। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो अगर इसमें कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो, डिस्कस जरूर कीजिए कमेंट्स करके। क्लियर फ्रेंड्स, थैंक यू।